बिसमिल्ल अरअन रहीम अमैकुम वरम् वर्क़ दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप सब खरीत से होंगे आप जहाँ कहीं भी हूँ अल्लाह ताला आपको ईमान में रखे आज मैं आपको बताऊँगा सफूफ़ तभीर ये कर्शी कंपनी ने बनाया है और ये बहुत ही सेफ़ है जो भी बंदा हाई ब्लड प्रेशर का मरीज़ हो तो वो इसको इस्तेमाल कर सकता है ये उसके लिए सेफ़ है इसमें कौन कौन से अज़ा इस्तेमाल हुए हैं वो भी आपसे शेयर करेंगे और इसको खाने से कौन कौन सी बीमारी ख़त्म होती है वो भी आपसे शेयर करेंगे इसमें जो अज़ा इस्तेमाल हुए हैं देसी अजवाइन सौंफ इस्पगोल कशनिजी सफ़ेद ज़ीरा पुदीना मल्ठी सांबर, शब्त अलाची और इसमें और भी जड़ी बूटियाँ इस्तेमाल होती हैं और इस सफ़ू को इस्तेमाल करने से क्या क्या फ़वाद होते हैं वो भी आपसे शेयर करेंगे। अगर किसी को तजाबियत हो तो उसके लिए ये मुफीद है ये तजाबियत को ख़त्म करता है बदज़मी को दूर करता है गैस्ट्रिक को खत्म करता है घबराहट और बेचैनी को दूर करता है अगर सीने की जलन मतली, दिल कच्चा हो रहा हो कह पेट में दर्द उसके लिए मुफीद है अगर किसी को कॉन्स्टिपेशन हो कब्ज़ हो तो उसके लिए भी ये मुफीद है आप सुबह शाम आधा आधा चम्मच ऊपर से नीम गर्म पानी पी लें तुर्श ईशा और बाद इशा से परहेज़ करें पकौड़े समोसे तरी हुई चीज़ों से परहेज़ करें इन इसको आप कम से कम पंद्रह से बीस दिन तक इस्तेमाल करें तो ये परमानेंट अगर किसी को मेथे का मसला है तो ये मुकम्मल ठीक कर देता है अगर किसी को आर्जी या दैस तजाबियत एक दो दिन होती है तो आप इसको दो तीन दिन इस्तेमाल कर लें इन शो तजाबियत सीने की जलन कोई भी मसला वो ख़त्म कर देगा ये इंतहाई सेफ़ है और इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है तकरीबन पाकिस्तान के अंदर इसको हज़ारों लोग इस्तेमाल कर भी चुके हैं और हज़ारों लोग इसको इस्तेमाल कर भी रहे हैं इसका कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है और ये सबसे सेफ से शफूफ है उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी आप हमारे हर्बल चैनल को लाइक करें सब्सक्राइब करें और शेयर करें ताकि तमाम मालूमती वीडियो से हम आपको आगाह कर सकें जब तक आप हमें दीजिए इजाज़त अल्लाह हाफिज़